गुड इवनिंग गाइज़ वेलकम टू सी यू टी वर्ल्ड जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हर डे ट्वेंटी फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी ई टी दिस ईयर फॉर पी जी पोलिटिकल साइंस हम लेके आएंगे उसी सीरीज़ में हम, मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू थैंक्स ऑल ऑफ़ यू गाइज़ फॉर द लव यू शोज़ फॉर माई लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उसके लिए आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज इसी लिए आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू ब्रिंग न्यू वीडियो फॉर यू पॉलिटिकल थ्योरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्वेंटी फाइव मोस्ट एक्सपेक्टेड देखो यार सी यू टी में आपको पहले भी कह चुका हूँ एक बहुत ही एक छोटा सा कॉलेज है जो लोकल कॉलेज है बिहार में पटना में दरभंगा में कोई कॉलेज है वहाँ अगर किसी को एडमिशन लेना है एम में जब बहुत रिमोट कश्मीर में उत्तराखंड में हिमाचल में कोई है या जे में किसी को लेना है डी में लेना है सेम पेपर वो लोग दे रहे हैं अगर वो बहुत हाई स्टैंडर्ड जे के लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो जो छोटे कॉलेज है वहाँ के बच्चों का कैसे क्राइटेरिया यू नो you know, वो करेंगे वो तो फिर सबके बहुत कम मार्क्स आएंगे तो पेपर ऐसा बनाएंगे कि जो कॉलेजेस जो बैकवर्ड कॉलेजेस हैं उनके भी बच्चे कम्पीट कर पाए और जो बहुत अलीट कॉलेज है वहाँ के भी वहाँ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी कम्पीट कर पाए ये बात आप ध्यान में रखिएगा कॉन्पचुअल फैक्चुअल एक मिक्स होने वाला और जहाँ तक कि मैंने एन का जो ट्रेंड देखा है पिछले साल से 2022 से चाहे वो नेट जे का आपका पेपर हो चाहे वो आपका पेपर हो सी का वहाँ पे एन जो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस क्वेश्चन दे रहा है किसी भी एक तरफ नहीं झुक रहा है कि बहुत टफ हो बहुत इजी हो और बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं मेरा जो मानना है क्योंकि हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि बहुत टफ पेपर बनाया है तो हाई क्वालिटी प्रोफेसर है जो नीड है एग्जाम की उसके लेवल का पेपर बनाया जाए तब माना जाता है कि हाई क्वालिटी प्रोफेसर है वही हो रहा है और इस साल भी आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि वही होने वाला है ठीक है तो करते हैं शुरू हर तरह के उसी हिसाब से मैंने भी क्वेश्चन रखे हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज

देखो आप यूज़ तो किसी ने भी किया हो पर जो हिस्टोरिकल उसमें फैक्चुअल सेंस में जो माना जाता है वो कौन है प्लेटो हेरोडोटस सोक्रेट्स या फिजोक्रेट्स सो द आंसर वुड बी देखो आपको क्या कर रहा है जब मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ वीडियो लाइव हो रखी होगी आपको वहाँ लाइव चैट में इसका आंसर बताइए आप लोग ठीक है कि इसका आंसर क्या होगा आप टाइप करिए आप टाइप करिए फिर मैं आंसर बता रहा हूँ सो द आंसर वुड भी बी हेरोडोटस जिसने भी बी बोला है दैट वुड बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट इन विच एवरी बडी वन हैज अ शेयर लोकतंत्र ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ऐसा सरकार है जहां हर किसी के पास शेयर होता है सरकार में हर कोई पार्टिसिपेट करता है ये कोट किसका है क्या लास्की का है क्या डाइसी का है क्या सीले का है या लॉर्ड ब्राइस चार ऑप्शन है अगेन आप आंसर बताइए पॉज करके द राइट आंसर वुड बी सी सीले जिसने भी सीले बताया दैट वुड बी राइट आंसर और ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपरली सी के हिसाब के मैंने बनाए हैं ठीक है आप ये लोग आप लोग ये ध्यान में रखिएगा सी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट डस कार्ल पॉपर्स थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन मीन्स ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कॉन्सेपचुअल है कार्ल पॉपर थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन देते हैं और उसका मतलब क्या है ऑप्शन ए ही फाल्सिफाइड कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बाई यूजिंग दिस थ्योरी कार्ल मार्क्स कि जो थ्योरी है सरप्लस वैल्यू को उसको वो रिजेक्ट करते हैं इसके थ्रू ऑप्शन नंबर बी दिस थ्योरी इज अ टूल टू फाल्सिफाई एग्जिस्टिंग थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस में जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उनको फाल्सिफाई करने का एक तरीका है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी इट एडवोकेट दैट एनी थ्योरी विच इज़ नॉट ओपन टू फाल्सिफिकेशन इज नॉट साइंटिफिक थ्योरी ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कोई भी वो थ्योरी जो फाल्सिफिकेशन के लिए जो थ्योरी ये ना कहती हो कि जो भी हमने अभी तक दिया है वो नए ज्ञान की खोज होने से पहले तक सच है आर यू गेटिंग माई पॉइंट कोई भी रिसर्च होती है तो उसमें ये लिखा जाता है कि अभी तक अभी तक की नॉलेज से हमें ये लगता है कभी भी ये नहीं लिखा जाता किसी भी थ्योरी में कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वही बोल रहा है काल पॉपर कि जो भी इंसान ये बोल दे कि जो मेरी थ्योरी है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है इवन आप देखो कि जो न्यूटन के लॉ है वो भी यूनिवर्सल नहीं है क्वांटम फिजिक्स में वो काम नहीं करते हैं तो यूनिवर्सल कोई नहीं कह सकता कि मेरे जो लॉ हैं वो यूनिवर्सल हैं ये बस कहा जाता है कि जब तक इससे नई थ्योरी का खोज ना हो जाए तब तक के लिए ये थ्योरी सही है तो वही काल पॉपर कह रहे हैं कि जो भी थ्योरी फाल्सिफिकेशन के लिए ओपन ना हो जो ये बोल दे कि मेरी थ्योरी सुप्रीम है वो एक साइंटिफिक थ्योरी हो ही नहीं सकती ये तीन है तो आप बताइए क्या आंसर होगा आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी इट एडवोकेट्स दैट एनी थ्योरी विच इज़ नॉट ओपन टू फालसिफिकेशन इज़ नॉट साइंटिफिक थ्योरी क्वेश्चन नंबर फोर असरसन एंड रीजन द टर्म पॉलिर्की इज पॉपुलर अमंग प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रीजन है इट मेंटेन्स दैट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन लिबरल डेमोक्रेसी हाउ एवर सेंट्रलाइज इट मे अपियर इन फॉर्म इज इन रियलिटी हाईली डिसेंट्रलाइज प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग अमंग रिलेटेबली एटोनोमस प्रूफ्स असरसन कहता है कि जो टर्म पॉलिर्की है वो प्लूरिस्ट जो थिंकर है वो यूज करते हैं रीजन बोलता है कि पॉलियार्की का मतलब है कि जो आजकल की डेमोक्रेसी है प्रजेंट टाइम की उसमें जो पॉलिसी मेकिंग है कोई भी नया लॉ आता है सरकार का पॉलिसी आती है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहा हो जो होम मिनिस्टर चाह रहा हो वही पॉलिसी बने क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की जो अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल है वो बहुत कम है एक इंसान का इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि दस तरह के लोग वहाँ होंगे वहाँ लॉयर होंगे वहाँ सिविल सर्वेंट होंगे वहाँ ऑफिसर्स आर्मी के होंगे वहाँ पुलिस के ऑफिसर्स होंगे वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग होंगे हर किसी के थिंकिंग का इम्पैक्ट उस पॉलिसी पे पड़ेगा तो इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी द राइट आंसर वुड बी ए कि दोनों के दोनों सही भी हैं आर इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो राइट आंसर वुड बी ए क्वेश्चन नंबर फाइव विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल इक्वलिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी सामान्य जो समानता है और कॉम्प्लेक्स जो समानता है उसकी डिफ्रेंसियन कौन करता है डिफरेंसिएशन कौन करता है माइकल सैंडल ऑप्शन नंबर ए माइकल वॉल्जर ऑप्शन बी चार्ल्स टेलर ऑप्शन सी एल मैकन टायर ऑप्शन डी आप आंसर बताइए आंसर वुड बी ऑप्शन बी माइकल वॉल्जर क्वेश्चन नंबर सिक्स हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सबअल्टन इन पॉलिटिकल्स हैं सब पिछड़े हुए लोग दबे कुचले हुए लोग उनको कहते हैं सब इसका कॉन्सेप्ट कौन लाया लास्ट की ऑप्शन नंबर ए ग्रामसी ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ऑप्शन सी ढीगल ऑप्शन डी तो टर्म सबल्टन है उसका पहली बार ही यूज करते हैं ग्रामसी तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा इसके साथ एक क्वेश्चन मैं और एड कर रहा हूं विच इंडियन थिंकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबल्टन इंडिया में सबल्टन के कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम किसने किया है हिज लास्ट नेम इज गुहा बट हिज नेम इज नॉट रामचंद्र गुहा रामचंद्र गुहा इज वेरी फेमस बट नॉट रामचंद्र गुहा आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन सा इंडियन थिंकर है जिसने सबल्टन के थ्योरी पे बहुत ज्यादा काम किया है हिज लास्ट नेम इज़ गुहा मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेवन रॉबर्ट नॉजिक एक्सप्लेन इज थ्योरी ऑफ जस्टिस मोड्स ऑफ एग्युकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एंटाइलमेंट एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ इंटाइटलमेंट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम जो रॉबर्ट नॉजिक अपनी थ्योरी देते हैं उसमें तीन तरह के इंटाइटलमेंट की बात करते हैं जो थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं कि तीन तरह से कैसे जो है जो प्रॉपर्टी है जो वेल्थ है अक्वायर करी जा सकती है वो क्या क्या है ऑप्शन उनमें से तीन चार हैं ऑप्शन उन उनमें से तीन सही है एक गलत है तो वो एक गलत क्या है ऑप्शन नंबर ए दियर सेल्फ ऑप्शन बी इनिशियल एक्जिशन ऑप्शन सी वॉल्ट्री ट्रांसफरशन ऑप्शन डी रेक्टिफिकेशन वॉलंट्री ट्रांसफर इनिशियल दियर सेल्फ रेक्टिफिकेशन इनमें से कौन सा गलत होगा सो द राइट आंसर वुड बी रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन एक जस्टिस का तरीका बताया नॉजिक ने एक्विजिशन का नहीं अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ठीक है तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर एट विच पॉलिटिकल थिंकर डिस्क्राइब सोशल जस्टिस एज मिराज मिराज क्या होता है जो रेगिस्तान में दिखता है दूर से लगता है कि पानी मिलेगा पानी मिलेगा और पानी नहीं मिलता है वैसी जो सामाजिक न्याय है उसको पाने के लिए आप सब कुछ बर्बाद कर दोगे लोकतंत्र को लिबर्टी को ऐसा कौन सा थिंकर कहता है नॉजिक है एक किमलिका रोल्स सबसे पहले तो ये सोचो कि कौन से वो थिंकर है जो सामाजिक न्याय के खिलाफ बात करते हैं सारे न्यो लिबरल थिंकर अब यहाँ न्यो लिबरल थिंकर मिल रहे हैं दो नॉजिक और हेक इनमें से भी मिराज टर्म कौन करता है एक किताब लिखी है फ्रेडरिक हेक ने सोशल जस्टिस इज अ मिराज तो वही बात करते हैं तो उनकी किताब का नाम भी आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन गिविंग प्रेगनेंसी लीव टू एवरी वर्किंग वुमेन इज वट टाइप ऑफ इक्वेलिटी कि जो प्रेगनेंसी लीव है वो देना किसी वुमेन को जो काम करती है कोई भी काम कर रही हो वो किस तरह का स्वतंत्रता है क्या वो एक सामान्य स्वतंत्रता है क्या वो एक डिफरेंशियल इक्वलिटी है क्या एक कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी है इक्वलिटी ऑफ आउटकम है सिंपल इक्वलिटी सबको समान देना तो क्या मेल को भी मिलती है क्या प्रेगनेंसी लीव नहीं मिलती है डिफरेंशियल इक्वलिटी मतलब जिसकी जो नीड हो उसके हिसाब से उसको रिबर्टी देना वो हुई कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी वॉल्जर का कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ आउटकम मीन्स कि सब लोग इक्वल हो जाए आउटकम में तो सिंपल है फेमिनिज्म मैंने जब आपको बताया भी था रेडिकल फेमिनिज्म वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था डिफरेंशियल इक्वलिटी का सो द प्रेगनेंसी लीव इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वलिटी ऑप्शन राइट वुड वी बी राइट ऑप्शन वुड वी बी क्वेश्चन नंबर टेन कैपेबिली कैपेबिलिटी अप्रोच कौन देता है कैपेबिलिटी अप्रोच बहुत ही फेमस अप्रोच है ऑप्शन ए अमर्थ्यसैन एंड मारथनुस्मैन ऑप्शन बी जॉन रॉल्स एंड आइजा बर्लिन ऑप्शन सी रॉबर्ट नॉजिक एंड मिल्टन फीडमैन ऑप्शन डी माइकल सैंडल एंड चार्स टेलर सो द राइट आंसर वुड बी ए अमर्त्यसैन एंड मारथन उमैन वह बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम पॉलिटिक्स हु गेट्स वट वेन एंड हाउ किताबों के नाम आपको याद रखने ऑप्शन नंबर ए है ग्राम वलास ऑप्शन बी कैटलिन ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल ऑप्शन डी हेरोल्ड लासवेल आप लोग चैट में आंसर बताइए पॉज करके सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी हेरोल्ड लासवेल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट ट्रू अबाउट पोस्ट बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बारे में कौन सी चीज सत्य नहीं है इट स्टार्टेड इन नाइनटीन रिलेवेंस एंड एक्शन वर इज टू स्लोग्लाइड नॉलेज अप्लाइड नॉलेज की भी बात करता था रिलेवेंस और एक्शन की भी बात करता था पर यह स्टार्ट हुआ था नाइनटीन सिक्सटी नाइन में नॉट इन नाइनटीन सिक्सटी वन सो द राइट आंसर वुड बी ए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर डिस्क्राइड आइडियोलॉजी एज फॉल्स कॉन्शियसनेस आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस कौन बताता है क्लास जब मैंने स्टार्ट करी थी आप लोगों को पढ़ाने का तो सबसे पहला टॉपिक यही था कि आइडियोलॉजी के बारे में अलग अलग थिंकर क्या सोचते थे उनमें से एक थिंकर आया था जो कहता था कि आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियसनेस था वो कौन सा थिंकर था लेनिन था मार्क्स था या एंजल्स था द राइट आंसर वुड बी बी कार्ल मार्क्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु बंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी थी निम्न में से कौन सा विचारधारा के अंत का समर्थक नहीं था रिचर्ड टिटमस डीनियल बेल डेरेंड्रॉफ या लिपसेट आप आंसर बताइए सो द राइट आंसर वुड बी ए रिचर्ड टिटमस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉलिटिकल थिंकर टू सपोर्ट पॉजिटिव लिबरलिज्म सकारात्मक जो उदारवाद है उसके सपोर्टर कौन थे जॉन लॉक ने स्टार्ट किया हॉब हाउस ने या ग्रीन ने या बेंथम ने आप लोग आंसर बताइए आपको जैसे कि पता है लॉक तो नकारात्मक उदारवाद के पिता हैं हॉब हाउस पॉजिटिव लिबरलिज्म से रिलेटेड है पर इन्होंने शुरू नहीं किया टी एच ग्रीन सी वुड भी राइट आंसर ये शुरू करते हैं और पॉजिटिव लिबरलिज्म से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फाइंड दैट विच थिंकर अमॉंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ क्रिटिकल थ्योरी कौन सा थिंकर इनमें से क्रिटिकल थ्योरी का सपोर्टर नहीं Marquez, Salta, है हर्बर्ट मर्क्यूज लुइस अल्थ सर है थोडो रोना आप आंसर बताइए पॉज करके द राइट आंसर वुड भी लुइस अल्थसर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से रिलेटेड है नॉट द क्रिटिकल थ्योरी ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु मंग द फॉलोइंग इज अ रिवोल्यूशनरी एनार्किस्ट निम्न में से कौन सा एक रिवोल्यूशनरी एनार्किस्ट है महात्मा गांधी बीजे पुरधोन मिखेल बैकुनिन या क्रॉप्टिन महात्मा गांधी तो पैसिफिक एनार्किस्ट है तो वॉयलेंस के खिलाफ है तो रिवोल्यूशनरी हो ही नहीं सकते हैं पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पे एक आता है रिवोल्यूशनरी एनारकज्म उसके सपोर्टर हैं मिखेल बैकुनिन ओके तो सी वुड बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 रूसो वन द प्राइज इन एन एसे कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर्ड बाई अकेडमी ऑफ डिजोन इन 1749 रूसो जो है एक प्राइज जीते थे एक ऐसे पे वो कौन सा हिस्से ऐसे उन्होंने लिखा था और एक क्वेश्चन आता है ये बहुत आपको और लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन पूछना पर ये आ चुका है नेट जी आर एफ में जी एन यू में भी पूछा जा चुका है ऑप्शन ए हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड और करप्ट और प्यूरीफाई मॉरल्स हेज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट मॉरल्स हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरल सो द आंसर वुड भी ऑप्शन नंबर ए कि क्या साइंस और आर्ट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो लोगों का मॉरल्स है वो करप्ट हुआ है या पॉजिटिव हुआ है तो आंसर वुड भी ए इस टॉपिक पर उन्होंने ऐसे लिखा था और कंक्लूजन उनका था कि जो साइंस और आर्ट्स है उससे करप्शन ज़्यादा बढ़ा है ना कि लोगों का मोरल ज़्यादा बढ़ा है कौन से प्राइम मिनिस्टर थे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कि जो नाइबर कंट्री के तरह बेनबुलेंस दिखाने की बात करते थे नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह गुजराल या नरसिम्हा राव आंसर वुड बी डी नरसिम्हा राव बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिकल कॉज बिहाइंड वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन क्या है ऑयल क्राइसिस है या ट्रीटी ऑफ वरसाइल्स है या ग्रेट प्रिप्रेशन है या नन ऑफ दीज ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का आपको पता ही होगा ट्रीटी ऑफ वरसाइल की वजह से ग्रेट वर्ल्ड वॉर टू हुआ हिटलर को वो जो है बहुत ज्यादा उस चीज़ का बदला लेना था ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स का जिसमें जर्मनी पे बहुत ही जो है अनरीज़नेबल जो है वो लगा दिया गया था उसको पैसा देना पड़ा उसी को हराया गया उसी से सारा वॉर का पैसा जर्मनी से वसूला गया क्वेश्चन ट्वेंटी वन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किसने फॉर्मुलेट किया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दी कंपेटिव पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा है ऑप्शन ए डेविड ईस्टन ऑप्शन बी लूसियन पाई गैब्रियल आलमंड ए जी फ्रेंड सो द राइट ऑप्शन वुड बी गैब्रियल आलमंड तो बहुत ही फेमस है आलमंड और पावेल देते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्वर्ण सिंह कमेटी जो इंदिरा गांधी ने बनाई वो किस चीज़ के लिए बनाई फंडामेंटल राइट के लिए फंडामेंटल ड्यूटी के लिए डीपीएसपी के लिए इमरजेंसी प्रोविजन के लिए बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है इसका मतलब है आपका आंसर वुड बी राइट आंसर वुड बी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर हु हु विदेन किसने जो है बैड फॉर्चून को एक वुमेन से कंपेयर किया कि वुमेन और बैड फॉर्चून बराबर है ऐसा कौन सा थिंकर जो कहता है एम एन रॉय ऑप्शन नंबर ए रूसो बी होफ सी मैके तो जो बे मौसम की बरसात और वुमेन इन दोनों को खराब लग से कंपेयर करता है मैक्यावली तो राइट आंसर वुड भी ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ये चीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क अबाउट एलिनेशन इनमें से मार्क्स ने जो किताबें लिखी हैं बहुत सारी किताबें लिखी कौन सी किताब एलिनेशन के बारे में नहीं है पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट थीसिस ऑफ फ्यूरबैक वर्टी ऑफ फिलासफी और द जर्मन आइडियोलॉजी तो देखिए यंग मार्क्स की जो भी किताबें होंगी बचपन की वो सब एलिनेशन पे पर जो बाद के फेज में लिखी है वो नहीं होगी सो द राइट आंसर वुड भी ऑप्शन नंबर सी पॉवर्टी ऑफ फिलासफी उन्होंने नहीं लिखी एलिनेशन पे ठीक है ये किताब है फिलासफी ऑफ पोवर्टी विजय पुरधोन की उसको क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने लिखी है ठीक है सो so, तो ये ट्वेंटी फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प इनसे हो सकती है होप सो so, आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और कमेंट में प्लीज़ बताइए कि अगर किस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है कि उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कुछ भी थीम पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हो एग्ज़ाम से पहले हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पी चाहिए इन क्वेश्चन की एनी टाइम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओके गाइज थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टू क्लास सी इन नेक्स्ट वीडियो